जनपद संभल के चंदोसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के जवाहर रोड पर आज नगर पालिका और जवाहर रोड व्यापारी संघ ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए निःशुल्क डस्टबिन और थैले वितरित किए। इस विषय में नगर पालिका परिषद की सफाई निरीक्षक प्रियंका सिंह ने कहा कि लोगों को सफाई के लिए जागरूक करते हुए आज जवाहर रोड पर नगर पालिका परिषद और जवाहर रोड व्यापारी संघ ने डस्टबिन और थैले वितरित किए। साथ ही लोगों से पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने की अपील भी की गई। आज जो जवाहर रोड पर व्यापार संघ के द्वारा डस्टबिन और थैले वितरित किए गए, तो क्या कहेंगे? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जवाहर रोड व्यापार संघ ने नगर पालिका चंदोसी की मदद से आज अपने जवाहर रोड पूर्ण जवाहर रोड पर प्लास्टिक के डस्टबिन और थैलों का वितरण किया है और लोगों से अपील की है कि वो अपनी दुकानों से निकलने वाले कूड़े को डस्टबिन में डालकर कूड़े के स्थान पर ही डालें और सफाई व्यवस्था में पालिका और अपने बाजार का सहयोग करें। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील यही है कि नगर को हरा भरा स्वच्छ बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम आने विपदाओं से बचे रहें। डस्टबिन वितरित किए गए जवाहर रोड पर, तो क्या किसके सौजन्य से वितरित किए गए? ऐसा है कि जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है 2021, तो सभी लोगों का योगदान और सभी का सहयोग चाहिए, जिससे हम चंदौसी को, जैसा कि विदित है कि पिछले वर्ष हम लोग 20वें नंबर पे थे, तो इस बार हमारी कोशिश है कि हम 20 नंबर के अंदर, मतलब टॉप 10 पे आएं, जिसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। और जैसे कि आज हम लोगों ने एक पहल की है कि सभी लोगों को डस्टबिन यहाँ पे वितरित किए गए हैं, व्यापार बंधुओं की तरफ से भी डस्टबिन दिए गए हैं। जवाहर रोड पर आज हम लोगों ने डस्टबिन वितरित किया है और सबसे अपील की है कि सभी लोग जो है कूड़े जो भी है इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिनों का प्रयोग करें। कि डस्टबिन इसलिए दी गई कि आप लोग जो भी घर में निकलने वाला या आपकी शॉप से निकलने वाला जो भी कचरा है, उसको एक डस्टबिन पे ही रखें, जिससे कि वो सही जगह पर सही समय पर जा सके। और सभी को थैले वितरित किए गए हैं, जिससे कि आप पॉलीथीन का प्रयोग कम करें। पॉलीथीन का प्रयोग कम करेंगे तो ऑलरेडी कुछ कचरा शहर से कम होगा, इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पॉलीथीन और डस्टबिन का वितरण किया हुआ है।